हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत में, जहां हमारे साथ मौजूद है आज सरपंच साहब मेदाराम जी चौधरी जी। तो आइए इनसे करते हैं खास बातचीत और जानते हैं क्या राजनीतिक अनुभव है इनका। तो सबसे पहले तो मैं सरपंच साहब आपका हमारे डीडी समाचार में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद है आपको। सरपंच साहब, क्या राजनीतिक परिचय है आपने, कितनी बार सरपंच का चुनाव लड़ा है, क्या आपका अनुभव है, आप डीडी समाचार के माध्यम से जनता को बताइए। भाई मैं 1978 से फरवरी 78 से 2005 तक चुनाव लड़ा, उसके बाद में वापस 15 से अभी वर्तमान में सरपंच हूँ। यानी कि कुल मिलाकर के 6 बार में गांग पंचायत में सरपंच का निर्वाचित हुआ हूँ। और बाकी राजनीति में मैं वैसे कांग्रेसी हूँ ठेठ से ही, और कांग्रेस की अभी भी सरकार है और पहले भी सरकार कांग्रेस की रही है, और मोदी जी के है जो देश के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हम अगर वो मोदी जी की जो पिछले हवा थी और पिछले समय में जो तूफान था, वो मेरे ख्याल से इस बार के 19 के चुनाव में ऐसा तूफान रहना मुश्किल है। क्यों कि वो मुद्दे की कोई बात न करके हर जगह है, राज्यों में चुनावों में कहीं भी है तो किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी के है एक खिलाफत की ही बात करते हैं, विकास का और गरीबों का कोई मतलब है नाम निशान नहीं लेते हैं, या गरीब के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, देश के हित का क्या है क्या नहीं है, वो मुद्दे की बात न करके एक है एक दूसरे ईर्ष्या की बात और खिलाफत की ही बात करते हैं। इसलिए अब के समय पिछले वाला चुनाव जैसा अब के इनका आंधी और तूफान जैसा मामला नहीं रहेगा, और बीजेपी की सरकार बने चाहे मुश्किल है बननी भी, और अब के कांग्रेस में भी है, कांग्रेस ने तो पुरानी पार्टी है, सिद्धांतिक पार्टी है, गरीबों को संभालने वाली पार्टी है और गरीबों के लिए है, इन्होंने कुछ काम किया है तो भी है, कांग्रेस ने किया है, श्रीमती इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, चाहे नेहरू जी के समय से हो, और आज भी नरेगा के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना है, ये एक गरीबों के लिए वरदान सिद्ध है। इसमें लोगों को जो प्लान करते थे या जिनको पैसा हाथ नहीं लगता था तो उनको आज 100 दिन का रोजगार मिलता है, तो 100 दिन के रोजगार के अंदर कम से कम 10-15 हजार रुपए हाथ में लग जाते हैं, जिससे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए गरीबों के मुद्दे की बात होनी चाहिए और गरीबों के उत्थान के लिए जो भी योजना हो, खाद्य सुरक्षा हो, पेंशन हो, चाहे कोई भी योजना हो सरकार की तरफ से, अब हमारी कांग्रेस में राजस्थान की सरकार है, मैं तो उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी मुद्दा हो जो भी हो वो गरीब के लिए व्यक्ति विशेष मॉनिटरिंग करके बिल्कुल जांच पड़ताल करके भी गरीब कैसे उत्थान हो और गरीब कहाँ बैठा है उसको कहाँ कैसे संभाला जावे वो संभालने की कोशिश करें, तो काम है कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। और कांग्रेस की सरकार में गरीब और अमीर सभी आस्था रखते हैं, मगर गरीब को थोड़ी मदद मुद्दे की बात लेकर के गरीब के ऊंचा उठाने के लिए जो भी योजना हो वो है उनको कांग्रेस में संभल करके करनी चाहिए। गरीब हमेशा कांग्रेस के साथ है और आज भी कांग्रेस में साथ में ही है और मैं भी कांग्रेसी हूँ। धन्यवाद सर। सरपंच साहब, बात करें आपके कार्यकाल की तो आप 6ठी बार सरपंच पद पर विराजमान हो। सरपंच साहब, ऐसा क्या आप जनता के साथ कैसे रहते हो कि आपको योजना हो, खाद्य सुरक्षा हो, पेंशन हो, चाहे कोई भी योजना हो सरकार की तरफ से, अब हमारी कांग्रेस में राजस्थान की सरकार है, मैं तो उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी मुद्दा हो जो भी हो वो गरीब के लिए व्यक्ति विशेष मॉनिटरिंग करके बिल्कुल जांच पड़ताल करके भी गरीब कैसे उत्थान हो और गरीब कहाँ बैठा है उसको कहाँ कैसे संभाला जावे वो संभालने की कोशिश करें, तो काम है कांग्रेस के लिए फायदेमंद है। और कांग्रेस की सरकार में गरीब और अमीर सभी आस्था रखते हैं, मगर गरीब को थोड़ी मदद मुद्दे की बात लेकर के गरीब के ऊंचा उठाने के लिए जो भी योजना हो वो है उनको कांग्रेस में संभल करके करनी चाहिए। गरीब हमेशा कांग्रेस के साथ है और आज भी कांग्रेस में साथ में ही है और मैं भी कांग्रेसी और मैंने गरीबों के सरपंच साहब काफी लंबा राजनीतिक अनुभव आपके पास है, लगातार सरपंच बन रहे हो आप, और क्या लगता है आपको आज की राजनीति और इससे पहले की राजनीति में कितना अंतर आ गया? भाई
मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए। मैं तो मेरा कहने का तो एक ही है कि कोई भी राजनीति करे एक दूसरे की व्यक्ति विशेष खिलाफत या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जनता के हित की काम करें, जनता के हित का मुद्दा उठावें, देश के हित का मुद्दा उठावें। देश में क्या हो रहा है, क्या करना है, देश लंबा चौड़ा है, किसी कई प्रांतों में गरीब हैं, कई प्रांत सक्षम हैं, तो उन सबको लेकर के किस तरह से क्या करना चाहिए वो मुद्दा तो उठाना चाहिए। मुद्दा वो न उठा करके एक दूसरे के, कांग्रेस वाले बीजेपी की बुराई करते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस की बुराई करते हैं, और व्यक्ति विशेष खास करके व्यक्ति विशेष बुराई नहीं करनी चाहिए। सरपंच साहब बिल्कुल आपने बहुत अच्छे विचार आपने दिए। सरपंच साहब, डीडी समाचार की टीम पहुंची है आपके द्वार, तो डीडी समाचार के माध्यम से आप देशवासियों को व आपकी पंचायत वासियों को आने वाले बड़े त्यौहार होली पे क्या शुभकामनाएं देंगे आप? भाई मैं तो कहूँ कि देशवासी हमेशा कुशल रहें और अपनी यह जिंदगी बिल्कुल शांतिपूर्वक नीतिगत से और सोच समझ करके देख करके और गलत भुलावे में नहीं आ करके अपनी जिंदगी पूरी करें। यही मेरी तो आस्था है और यही मेरा है, लोगों को निवेदन है।